फ्रेंड्स, गाजर का हलवा तो आपने कई बार खाया होगा। आज हम कुछ अलग तरीके की मिठाई बना करके तैयार करते हैं और हम यहाँ पे दो तरीके की मिठाई बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा और इसे बनाना बहुत आसान है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं गाजर की ऐसी मिठाई जिसे कि हम सिर्फ दो इन्ग्रीडियंट्स में बना करके तैयार करेंगे। झटपट से ये बन के तैयार होगा और आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे गाजर को अच्छी तरह से धो लिया था पानी से, उसके बाद हमने इसे पील करके ग्रेट कर लिया है। अगर आप गाजर को ग्रेट नहीं करना चाहे तो इसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और उसके बाद आप इसे ग्राइंड कर लें। तो इसे दरदरा आप ग्राइंड करें या इस तरह से आप इसे कद्दूकस कर सकते हैं। तो आपको जो भी मेथड ईजी लगे आप वैसा कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ हमने एक पैन लिया है और इसमें हमने ग्रेट किए हुए गाजर को डाल लिया है। एक कप हमने इसमें डाल लिया है चीनी। हमने यहाँ पे आधा किलो गाजर का यूज़ किया है और एक कप चीनी का यूज़ किया है। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में ना ही हम दूध का यूज़ करने वाले हैं, ना ही घी का, ना ही हम इसमें मावे का यूज़ करेंगे और ना ही मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे। झटपट से ये बनके तैयार हो जाती है। सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स में ये जो मिठाई है वो बन करके तैयार होती है। तो जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो झटपट से इसे बनाएं। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए हो तो भी इसे आप बना सकते हैं, क्योंकि अगर घर पे दूध या मावा नहीं है तो भी आप इसे फटाफट से बना के तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ी देर में चीनी है वो मेल्ट हो चुकी है। गाजर चीनी के साथ अच्छी तरह से पकता जाएगा और इसे हमें बीच बीच में चलाना है, लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे हमें तब तक पका लेना है जब तक ये जो पानी इसमें दिख रहा है वो बिल्कुल रेड्यूज़ ना हो जाए। तो बीच बीच में आप बस इसे चलाते जाएं और बहुत ही आसानी से ये कुछ ही मिनटों में बंद करके तैयार होता है। यहाँ देख सकते हैं पानी इसका ड्राई हो चुका है और गाजर का जो कलर है ना वो भी काफ़ी अच्छा आया है। गाजर हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब इसमें फ्लेवर के लिए हम इलायची का पाउडर डाल लेते हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। इलायची का पाउडर डालने के बाद हम इसे एक मिनट तक इस तरह से चलाते हुए पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, हमने सिर्फ इसमें चीनी और गाजर का यूज़ किया है और ये बहुत ही आसानी से और कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है। तो इसे सेट करने के लिए हमने थाली में घी को ग्रीस कर लिया है। तो आप चाहें तो इसे बटर पेपर में सेट कर सकते हैं जिससे कि काफ़ी आसानी से निकल भी जाएगा। तो चलिए, अब ये हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है तो इसे अब हम ग्रीस किए हुए प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम दो तरीके की मिठाई बनाने वाले हैं। तो थोड़ी जो मिठाई हम है बनाएंगे वो बर्फ़ी की बनाएंगे और थोड़ी बनाएंगे लड्डू की। तो हमने यह पूरा मिश्रण नहीं डाला है, थोड़ा मिश्रण हम लड्डू बनाने के लिए बचा के रखेंगे। और यहाँ पे हमने प्लेट में बर्फ़ी सेट करने के लिए गाजर के मिश्रण को रख लिया है और इस तरह से हम इसे अच्छा सा शेप दे देते हैं। इस तरह से साइड साइड में हम इसे इस तरह से शेप देते जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसे हमें सेट करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। अगर आप इसे रात भर रखेंगे तो रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह सेट कर लिया है। अब थोड़ा सा हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, थोड़े से पिस्ता और थोड़ा बादाम इसमें हमने गार्निशिंग के लिए डाल रखा है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें या तो फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब इस बर्फ़ी को हम फ्रिज में रख देते हैं और इसे सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। और जो हमने मिश्रण को बचा के रखा था ना, उसका हम लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हाथ से इसे हल्का हल्का दबाते जाएंगे तो इसका लड्डू बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। ये देखिए कितना मज़ेदार सा लग रहा है और ये लड्डू जो है ना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। सिर्फ हमने इसमें गाजर और चीनी का यूज़ किया है, ना ही मावा ना ही दूध का यूज़ किया है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और ख़ासकर बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें से कौन सी वाली रेसिपी ज़्यादा पसंद आई। तो ये हमारे लड्डू तो तैयार हो चुके हैं, अब हम बर्फ़ी को चेक करते हैं। तो ये हमारा बर्फ़ी भी सेट हो चुका है, इसे अब हम काट लेते हैं।
तो ये बहुत ही नरम बना है और मुंह में जाते ही ये लड्डू और बर्फ़ी जो है वो घुल जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। ये हमारा गाजर से बनने वाला बहुत ही टेस्टी सा रेसिपी तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें से कौन सी वाली रेसिपी अच्छी लगी है आप ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। चलते हैं, बाय बाय।